Very good morning to you all. Welcome to Education with Entertainment classes. और मैं आप लोगों को आज स्टैंडर्ड 10th का थर्ड पोएम जो है उसको मैं रीड करूंगा और पोएम का टाइटल है द टाइगर इन द जू। ये और ये लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा हुआ है ये पोएम और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जब ये टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है और जब वो उस अपने नेचुरल हैबिटेट से उसे अलग किया जाता है, कैद किया जाता है, तो वो किस तरीके की उसमें फीलिंग आती है, इसमें बताया गया है। सारे पोएम को मैं डील करूंगा लाइन वाइज और उसके बाद इसमें जो भी पोएटिक डिवाइसेस फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं मैं सारे चीजों को आपके सामने रखूंगा और मैं इस पोएम को लाइन वाइज आपको समझाता हूं। वो इस तरीके से है, ही स्टॉक इन हिज वेबी डिस्क्राइब्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन द पास ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। कहता है कि वो स्टॉकिंग कर रहा है, वो चल रहा है इन हिज विविड स्टेप्स, उसके शरीर पे जो कतार बने हुए हैं वो शरीर पे रखे हुए हैं और वो उस तरीके से मतलब स्टेप्स ले रहा है, है ना। और बताता है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने केज में, यहाँ पे दिखा इस स्टेंजा में दिखाया गया है कि टाइगर किसी केज में कैद है, बंद है और वो कुछ पग चल पाता है ऑन द पैर्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पैर्स हैं आप देखे होंगे वेलवेटी होता, बड़ा गद्देदार होता है। नेचर ने उसको ये गिफ्ट किया है क्योंकि वो एक कार्निवरस एनिमल है, शिकारी है, इसलिए शिकार करने के समय उसको कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, कोई हिंड्रेंस न हो, इसके लिए उसके पैर को गद्देदार बनाया गया है ताकि वो आसानी से अटैक कर सके, किसी जीव को पकड़ सके। पहले इन हिज क्वाइट रेज, और जब कभी ऐसा बताया जा रहा है कि जब कभी वो गुस्से में जब होता है फिर भी शांत रहता है। आदमी में क्या होता है कि गुस्सा आने के बाद बॉट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन टाइगर को बताया जा रहा है कि वो गुस्से में भी शांत होकर के अपने शिकार को मतलब अपने शिकार को अंजाम देता है, अपने शिकार को पकड़ता है। नेक्स्ट है, ही शुड बी लर्किंग इन हिज शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब यहाँ सेकेंड स्टेंजा ऊपर वाले में आपने देखा कि वो कंक्रीट सेल में बंद है, लेकिन सेकेंड स्टेंजा में बताया गया है कि उसे कहाँ होना चाहिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे तो छिप छिप करके लर्क करना चाहिए, किसी के पीछे चलना चाहिए, है ना, किसी जीव को पकड़ने के लिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घास में छिपा हुआ होना चाहिए उसे, नियर द वाटर होल, कहाँ, जंगल में जहाँ कहीं वाटर की व्यवस्था हो, पूल हो छोटा सा, जहाँ ढेर सारे जीव पानी पीने आते हो। वेयर प्लम्प डियर पास, देखो डियर को क्या बताया गया कि उसका फेवरेट फूड है, डियर को बहुत मजे से वो टाइगर खाता है, इसलिए वाटर होल के निकट जहाँ डियर पानी पीने आया करती है उसे वहां होना चाहिए था, है ना, उसको पॉन्स करने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए, है ना, उसको किल करने के लिए, लेकिन क्या है कि उसे अभी सेल में कैद कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेंजा में देखेंगे, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड द हॉर्सेस एट द जंगल्स एज, वहां होना चाहिए जंगल में और जंगल के किनारे जो घर बसे हुए हैं उस ग्रामवासियों को उसे डराना चाहिए, टेरराइज करना चाहिए। बियरिंग इज व्हाइट फैंग्स इज क्लॉज, और उसके व्हाइट फैंग्स, वो उसके दांत तीखे तीखे बड़े बड़े दांत को बताया गया है, फैंग्स इज क्लॉज, उसके पंजे को बताया गया है कि अपने दांत और पंजे से लोगों को डराते रहना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, पूरे गांव को टेरराइज करना चाहिए, लेकिन वो अभी सेल में बंद है। कहता है कि बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन अब वो एक कॉन्क्रीट का बना हुआ सेल में बंद है वो। ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसके पावर जो है जेल में कैद कर दिए गए हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने केज के लंबाई के अनुसार ही वो स्टॉल कर रहा है, चल पा रहा है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। इग्नोरिंग विजिटर्स, और सारे विजिटर को इग्नोर कर रहा है, जो विजिटर उसके सामने एक किलोमीटर पे भी नहीं दिख सकते थे आज वो उसके नजदीक हैं, लेकिन वो क्या है कि उसके पावर इतनी मतलब स्विच कर दी गई है कि वो कोई एक्शन ले नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में वो आखिरी आवाज सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, किसका, जो कार्स पेट्रोल करने आते, देखने आते हैं कि जीव जंतु सब सही है या नहीं, उसका लास्ट वॉइस सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपने ब्रिलियंट उसकी आंखों में जो चमक है उस चमक के साथ उस कार को देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और रात में वो जिस सेल में बंद है
खुला हुआ सेल है ऊपर से और वो आकाश को देख सकता है, तारों को देख सकता है और उसके सिवा उसके पास कोई पावर नहीं कि वो कुछ कर सके। इस तरीके से क्या किया कि मैंने लाइन बाय जिस पोएम को डील किया। अब मैं इसमें जो भी पोएटिक डिवाइसेस यूज किया गया मैं बताता हूँ।